नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वो हत्याकांड हुआ है जिसने समूचे देश के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये देखिए, ये बल्लभगढ़ का अग्रवाल कॉलेज और ठीक उसी सड़क पर वहां सामने वो गाड़ी थी जिसमें जबरन खींच कर एक 21 साल की लड़की को बिठाने की कोशिश। जब उसने खुद को बचाने का प्रयास किया तो सीसीटीवी कैमरे में वो सारी तस्वीरें कैद हैं कि किस तरीके से उसे दिन दहाड़े गोली मार दी गई। क्या कहता है ये सब कुछ, क्या है ये कानून व्यवस्था, क्या है ये सोच? इसमें लव जिहाद का भी कोण जुड़ रहा है। परिवार वालों ने लड़की के सीधे सीधे ये आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सारे सवालों के बीच परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। दिन दहाड़े पहले छात्रा को किडनैप करने की कोशिश, अपहरण में नाकाम होने पर बीच सड़क वीडियो ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 63 किलोमीटर दूर हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो हुआ वो वाकई खौफनाक भी है और खतरनाक भी। न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, सरेआम लड़की से जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर जान ले ली गई। 21 साल की निकिता बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज से पेपर देकर निकली थी। आज हम आपको इस हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी भी दिखाएंगे। आखिर क्यों निकिता को कॉलेज के बाहर गोली मार दी गई और गोली मारने वाले कौन? लेकिन सबसे पहले आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को तफसील से दिखा। जैसे ही कॉलेज से निकली, पहले से घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे कुछ लोग एक सफेद रंग की i20 कार से वहां पहुंचे और कार से नीचे उतरकर लड़के ने निकिता को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कार का पिछला दरवाजा खुला था और ये लड़का निकिता को किसी भी हाल में अपनी कार में बिठाना चाहता था। वीडियो में जो साफ साफ दिखाई दे रहा है उसमें निकिता के अपहरण की कोशिश हो रही है, लेकिन निकिता लड़के के साथ जाने को राजी नहीं थी। वो किसी तरह लड़के के चंगुल से छूटती है और अपनी सहेली के पीछे छिपने की कोशिश करती है। एक बार तो निकिता की सहेली भी लड़के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो लगातार निकिता को अपनी ओर खींच रहा था। अब तक तो बात खींचने घसीटने तक सीमित थी, लेकिन अगले ही पल जो कुछ हुआ उसने वहां मौजूद हर एक शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। निकिता को अपनी ओर खींच रहे लड़के ने आव देखा न ताव, अपनी कमर से पिस्टल निकाली, उसे लोड किया और निकिता की तरफ तान दिया। निकिता ने भागने की भरसक कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और बिल्कुल करीब से यानी पॉइंट ब्लैंक से उसकी कनपटी पर गोली मार दी। निकिता उसी वक्त सड़क पर गिर पड़ी, उसके सिर से खून बहने लगा। गोली की आवाज सुनकर i20 कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दूसरा लड़का भी चंद सेकंड के लिए बाहर निकला, लेकिन जैसे उसने देखा कि लड़की को गोली मार दी गई है वो कार में वापस बैठ गया और गोली मारने वाला भी तेजी से कार की तरफ दौड़ा और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठा। इसी के साथ गाड़ी तूफानी रफ्तार से हवा हो गई। इस गोलीकांड के बाद निकिता का पूरा परिवार सड़क पर बैठ गया और इंसाफ मांगने लगा। आप किस डिमांड को लेकर यहाँ पर सड़क पर सुबह से बैठी हुई? मुझे काउंटर चाहिए। उस लड़के का, मेरी बेटी जैसे गई है गोली से, वैसे ही गोली मारनी है उनको, रोड पे खड़े करके मारो। मुझे यही चाहिए, पुलिस मारे या पब्लिक हमें दे, हम मारेंगे उनको। पेपर देखा आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच गए, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। किस, कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी, तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। लास्ट पेपर था कॉलेज का, लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली दो लड़के आए, जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में रहती। तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी, और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी और कट्टा वहीं रोड पे करके गिरा के चला गया। उसका हमारी यही मांग है कि उसको फांसी हो, और जो बहन बेटियाँ हमारी के साथ जो हुआ हुआ, बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, इसकी हमें मांग चाहिए। पूरा फरीदाबाद मथुरा हाईवे जाम कर दिया गया, सैकड़ों लोगों की भीड़, पुलिस का भारी जमावड़ा,
निकिता का परिवार कह रहा था जब तक न्याय का ठोस वादा नहीं तब तक वो नहीं हटेंगे। तस्वीरें आप अगर आपको दिखाना चाहेंगे, पहले घर के बाहर परिवार धरने पर बैठा था, जो परिजन धरने पर बैठे थे, लेकिन अब जो ये मेन हाईवे है यहाँ पर जो पूरा परिवार है वो धरने पर बैठा हुआ है। इनकी डिमांड थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तो फरीदाबाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए, फास्ट ट्रैक बनाया जाए। इसको लेकर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गुस्सा है वो परिवार का फूटा है और पूरा परिवार यहाँ मथुरा फरीदाबाद हाईवे पर धरने पर बैठा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई कैसे दिन दहाड़े लड़की को उठाने की जुर्रत कर सकता, वो भी सरेआम बीच सड़क पर। क्या बल्लभगढ़ में पुलिस का डर नहीं रहा? सचिन गौड़ के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़ आज तक। 21 साल की एक लड़की जो परीक्षा देने के लिए यहां पर आई और किस तरीके से दिन दहाड़े गोली का शिकार हो गई। परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन उसके साथ ही जो कोण परिवार की तरफ से सामने आ रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो इस पूरे हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी है। इसे इस तरीके से समझिए कि तौसीफ नाम का एक गुंडा जिसने आकर यहां पर ठीक इसी जगह पर अपनी गाड़ी लगा दी थी, गाड़ी लगाई, कोशिश की कि उसे किसी तरीके से वहां पर खींचे। उन तस्वीरों में साफ साफ ये दिख रहा है कि किस तरीके से एक जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया था। निकिता ने खुद को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन गोली मार दी गई। ये जो पूरी कहानी है, किस तरीके से पहले से वो लड़का परेशान करता था, किस तरीके की वो गुंडागर्दी थी, ये आप भी देखिए। बल्लभगढ़ की निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई। निकिता बीकॉम फर्स्ट ईयर की और सोमवार यानी 26 अक्टूबर को अग्रवाल इस पूरी घटना की चश्मदीद और निकिता के साथ पढ़ने वाली एक लड़की से आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने फोन पर बात की। चश्मदीद लड़की ने आंखों देखी आज तक को बताई। आप क्या उसी कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ जी, हम सारे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो जरा आप मुझे बताइए कि जब आप कॉलेज से निकले तो आप पूरा हुआ क्या था, जरा एक बार बताएं हमें आप। बस हम सारे फ्रेंड्स बात कर रहे थे, फिर बात कर पेपर के, उसमें पेपर कैसा हुआ, फिर सारे चलने लगे, फिर एकदम से पता नहीं कौन था कौन नहीं था। तो मैं और हम सारे और एक दो फ्रेंड्स और हम सारे आगे हो गए, वो पीछे रह गए। तो एकदम से सब चीज सीन हो गया और तो पता नहीं क्या हुआ था। हम आपको बता दें कि निकिता को गोली मारने वाले लड़के का नाम तौसीफ है। परिवार का कहना है कि 2 साल से वो निकिता को परेशान कर रहा था, लेकिन निकिता के परिवार ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है वो ये कि तौसीफ निकिता का जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर उससे शादी करना चाहता था। परिवार का आरोप है कि ये लव जिहाद का मामला है। क्या आपने शिकायत दी थी, कोई FIR दर्ज करवाई थी पहले? सर 2018 में वो उसको परेशान करता था शादी करने के लिए, वैसे तो उसको उसने किडनैप भी किया था, तो हमने FIR कराई थी। उसके बाद पुलिस ने उसी दिन उसको गिरफ्तार किया था कहीं से। उसके बाद फिर बैठ के पंचों में समझौता हो गया था और हमने भी सोचा था बहन बेटी की बात है, जितनी ना उछाली जाए उतना सही है। तो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली थी कि अब नहीं करेगा, तो फिर हमने समझौता कर लिया था। अब सर पर कल आखिरी पेपर था उसका, कॉलेज का आखिरी दिन था। उस दिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलती है तुरंत वो उसको पकड़ के जबरदस्ती करता है गाड़ी में बिठाने के लिए गन पॉइंट पे, और वो जब मना करती है, इनकार करती है, जब वो उसे किडनैप करने में सफल नहीं हो पाता है तो वो उसको गोली मार के तुरंत भाग जाता है। वो उससे शादी करने के लिए कह रहा था, दबाव डाल रहा था, धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये हमारी। और मैं सर जैसे ही आया वो लड़के भाग रहे थे, मैं मौके पे था और उन्होंने मेरा नाम FIR में गवाह के तौर पर अभी नहीं लिखा है। हाँ सर, मुझे लव जिहाद का ही लगता है क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं, और ज़बरदस्ती उससे करवाओगे, कहोगे धर्म परिवर्तन के लिए बोलोगे तो लव जिहाद ही होगी। लगातार उस पर प्रेशर डाल रहा था, शादी करो, धर्म बदल लो। 5 साल 2018 की है, उस वक्त पुलिस ने निकिता और आरोपी के परिवारों के बीच सुलह करवाकर केस को रफा दफा करवा दिया था। 2018 में भी एक अपहरण की घटना दर्ज हुई थी जिसमें तौसीफ पर आरोप था कि वो उनको ससुर निकिता को लेके गए थे। अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन फिर परिवार ने शपथ पत्र दिया था कि उसमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो मुकदमा कैंसिल कर दिया गया था। जो एफिडेविट उन्होंने दिया था कि
कि एफिडेविट दिया था लड़की ने भी, लड़की के फादर ने भी, कि हम इसमें कार्रवाई नहीं चाहते हैं और हमारा अपहरण नहीं हुआ था, ऐसी उन्होंने एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया हुआ। पुलिस केस के बाद भी तौसीफ ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, वो निकिता के पीछे पड़ा था और सोमवार को तो उसने न सिर्फ निकिता का जबरन अपहरण करने की कोशिश की बल्कि गोली भी मार दी। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी, अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते, अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट करके पकड़ लिया, यही पुलिस का काम होता है। पुलिस ने निकिता को गोली मारने वाले आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बल्लभगढ़ के इस हत्याकांड ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। सचिन गौड़ के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़ आज तक। पूरे परिवार के लिए गम और आक्रोश का एक ऐसा समय है जिसे आप साफ साफ समझ सकते हैं। जिस घर की एक ऐसी बच्ची जो कि इस समय पढ़ाई लिखाई कर रही थी, परीक्षा दे रही थी, वो चली जाए, क्या बीती होगी उस परिवार पर। किस तरीके से पूरा परिवार आज इस मांग के साथ डटा रहा, जुटा रहा कि उन्हें न्याय चाहिए। दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जो दो लोग उन तस्वीरों में, उस सीसीटीवी की तस्वीर में नजर आए थे, उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जरूरी यह है कि जल्द से जल्द उन सबको सजा मिले, कहीं भी कानून में कोई ऐसा लूपहोल ना हो जिसके कारण वो बच सके। इसीलिए पूरा परिवार इस समय इस आक्रोश के साथ इस बात को बार बार दोहरा रहा है। उनके भाई से, निकिता के भाई से आज तक संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। निकिता के इंसाफ को लेकर पूरा परिवार यहां पर धरने पर बैठा है। हमारे साथ निकिता के भाई सर, आफ्ताब अहमद विधायक है, मंत्री रह चुके हैं, लोगे और विधायक है और पावरफुल आदमी है, उनका सर सगा भतीजा है, उनका पूरा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो इसकी इतनी हिम्मत हो रही है, दिन दहाड़े ऐसे गोली चला के आराम से जा रहा है, किसी की भी बहन बेटी को मार के जा रहा है। 2018 में जब ये केस हुआ था तो भी क्या तौसीफ के परिवार वाले जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई दबाव या कुछ चीज आई थी? बिल्कुल सर, दबाव हमने शिकायत करी थी, पुलिस में FIR दी थी, तो इसको पुलिस वाले लेके आए थे, लड़का लड़की को घर ले गया था और बोला था धर्म परिवर्तन करने के लिए, शादी करने के, जबरदस्ती दबाव बनाया था। लेकिन फिर पंचों में बैठ के हमने लड़की के घर वालों ने माफ़ी मांग ली, उन्होंने बोला कि भाई लड़की को तुम पढ़ाओ लिखाओ, लड़का नहीं कहेगा और लड़की की इज्जत है और बदनामी होगी, ये वो ऐसे कह के फिर हमने फिर फैसला कर लिया था उनसे, उसी का खामियाजा। 2018 में जब आपने FIR दर्ज कराई तो उस वक्त भी थाने चौकी में क्या जो इनके पॉलिटिकल कनेक्शन है वो सामने आए तो उनको प्रेशर? सर बिल्कुल, पॉलिटिकल आदमी का पॉलिटिकल प्रेशर तो हमेशा ही रहता है सर, पावरफुल आदमी क्यों अपनी पावर यूज नहीं करेगा, अपने बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहेगा, चाहे किसी ने गलत ही काम करा हो। अभी आप लोगों को जानकारी पहले से थी कि तौसीफ? हाँ सर, 2018 में पता चल गया था हमको सर, और अभी 2018 वाले केस में पता चल गया था हमको कि इसके चाचा ऐसे ऐसे। अभी भी आपको लगता है क्या इस केस को आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? सर बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पावरफुल आदमी अपनी पावर क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, हर कोई भी पावरफुल आदमी इन्फ्लुएंस कर सकता है। निकिता के भाई है जिनका कहना है कि 2018 में भी तौसीफ के जो परिवार के लोग हैं जिनमें विधायक भी हैं उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया था, और अब भी इनको आशंका है क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन है तो अभी भी इनको आशंका है कि वो पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, फरीदाबाद आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, ब्रेक के बाद देखिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।